निकलेगा और ऐसा निकलेगा कि दुनिया देखेगी। जी सर। तो अरुणिता, तुम एक काम करो, पवनू की आंखों पर पट्टी बांधो। वाओ, ये हुई ना बात, कितनी स्वीट जोड़ी है जो आने वाली। अरुणिता, हमने 5 मिनट पहले आपको बोला था कि पवनदीप को छोड़ दो, ये क्या बात है, हमें शो आगे बढ़ाना है। अरे क्या बात है सर, रिएक्ट किया। ये है कौन? सर मेरी छोटी बहन है दोनों। सांसे मेरी अब बेफिकर है, पलकों में यूं ही हंसी है। मैं आपको बता दूं कि पवनदीप अपनी बहनों को 6 महीनों बाद मिले हैं, आधे साल के बाद इनकी मुलाकात हो रही है, तो क्यों ना एक्सप्रेशन चेंज होंगे। मन में छुपी कैसी ये धुन है, हर ख्वाहिश उलझी के धर है। अपनो आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों ऐसा? यस, ये दोनों बहुत डरती हैं मुझसे। आज इतने करीब हैं, बढ़िया, अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू इंडियन आइडल, ये एक्सपेक्ट ही नहीं था। मतलब मेरे को बहुत चीजें ऐसे, मैं ना गेस कर लेता हूँ कि ऐसा हो सकता है, पर ये तो गेस के भी बाहर था। अरे वाह। ये चांदनी है। हाय चांदनी। और ये ज्योति। हाय ज्योति, आपसे हमारी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। तो ज्योति जी, पवनदीप तो वैसे भी बहुत बात करते हैं शो पे, प्लीज आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आता, तो मैं रो नहीं सकती। अरे तो आपने 10 सेकंड में जितने दे दिए उन्होंने पूरे शो में नहीं दिए। आज जो है रोमांस स्पेशल है। हाँ, और हमारे पवनू की आवाज इतनी रोमांटिक है, तो आप दोनों को हमारे पवनू के लिए किस तरह की लड़की चाहिए? हाँ। आप यहाँ क्यों देख रही हैं? हमें बहुत सुंदर लड़की चाहिए। अच्छा, सुंदर लड़की चाहिए और बहुत अच्छा गाती भी हो। आहा हा, कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की अरुणिता, कहाँ मिलेगी? मुझे तो नजर ही नहीं आती ऐसी लड़की, कहाँ मिलेगी? अरुण का पवन के लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढ दो यार, जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत हो और गाते भी बहुत मीठा हो, और अगर बंगाल से हो ना तो मजा आ जाए। चलिए यार, हम लोग शो का मजा लेते हैं यार। चलो चलो,